नमस्कार, न्यूज 18 जीके एलएच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से नव निर्वाचित सांसद राजीव भारद्वाज जी मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद जैस्मिन जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतनी बड़ी जीत, 2,52,000 से ज्यादा के अंतर से आपने जीत दर्ज की है। आनंद शर्मा जैसे दिग्गज नेता को आपने शिकस्त दी है, इस जीत को कैसे देख रहे हैं? ये जीत मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत मोदी जी ने जो 10 वर्ष तक इस देश पे शासन किया है और जो योजनाएं गांव, गरीब और किसान के लिए जो योजनाएं लेकर आए हैं, उन योजनाओं की जीत है। ये जीत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक कौशल की जीत है। ये जीत हमारे हिमाचल प्रदेश के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय राजीव बिंदल जी, आदरणीय सिद्धार्थन जी और हिमाचल प्रदेश के दोनों वरिष्ठतम नेता श्रद्धेय शांता कुमार जी, श्रद्धेय प्रेम कुमार धूमल जी, अनुराग ठाकुर जी, और सबसे बड़ी जीत मैं उन कार्यकर्ताओं की मानता हूं जिन्होंने इतनी तेज गर्मी में यह चुनाव लड़ा। इस बार 44-45 तक टेम्परेचर गया हिमाचल का। हमारा जो लोअर बेल्ट थी उसमें इतना लंबा टेम्परेचर गया, इतना गर्म था, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने इतनी गर्मी में गांव गांव में जाकर, बूथ बूथ में जाकर मोदी जी की योजनाओं को बताया और स्वयं मोदी बनकर राजीव भारद्वाज के लिए वोट मांगे। उनको मैं अपना भगवान मानता हूं, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, और मैं ये जीत उन हजारों लाखों अपने आदरणीय कार्यकर्ताओं को डेडिकेट करता हूं। सर, एक लंबा अरसा आपका बतौर संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर बीता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 36 सालों का संगठन का आपका एक्सपीरियंस रहा है। 37 ईयर्स। और आज तक कभी इस तरह की न महत्वाकांक्षा आपकी तरफ से जाहिर की गई, लेकिन अब जब ये जिम्मेदारी आपको मिली, जब टिकट का ऐलान हुआ, सर कहीं ऐसा लगा कि बगावत आपके खिलाफ, क्योंकि चाहे हम किशन कपूर की बात कर लें, त्रिलोक कपूर की बात कर लें, बहुत बड़े बड़े, बहुत दिग्गज चेहरे कांगड़ा से आते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, कहीं एक पल के लिए लगा कि शायद प्रतिद्वंदियों का, विरोधियों का तो सामना करना ही पड़ेगा लेकिन अपनों से भी सामना होगा? मैं अगर आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि बाल्यकाल से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गया और संघ की शाखा में जाकर जो सीखा, क्या सीखा, वहां ये सीखा, समर्पण, निस्वार्थ भावना और राष्ट्र के लिए काम करना, ये जो वहां सीखा, मुझे लगता है कि आज जिस स्थान पर मैं हूं उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 36-37 वर्षों तक मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैंने बूथ के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, आज प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूं, और पार्टी ने इतना कुछ दिया और जो दिया, चाहे वो मीठा था चाहे वो खट्टा था, उसको मैंने भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। पहले प्रश्न का जवाब यह है। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया, चुनाव में जब टिकट की दौड़ होती है, हर लोकसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में 5-6 ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, उनमें से किसी को भी टिकट मिल सकता है, किसी को भी टिकट मिल सकता है, एक स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, यहां भी थे, लेकिन पार्टी इज द बेस्ट जज। पार्टी ने जब निर्णय किया, मेरे पक्ष में निर्णय आया, तो मैं सबसे मिलने गया था उनके घर में, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब ने मुझे शगुन डालकर मेरा स्वागत किया। श्रद्धेय किशन कपूर जी जो निवर्तमान सांसद हैं, मुझसे पहले वो इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे, वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका थोड़ा स्वास्थ्य का इशू है, इस करके वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि टिकट जो है एक बड़े डिजर्विंग कैंडिडेट को दी है, बड़ा स्वागत भी किया और मुझे पूरे चुनाव की प्रक्रिया में उनका आशीर्वाद भी मिला। सर, कैंपेनिंग को कैसे देख रहे हैं? 75 दिनों के आसपास का कैंपेन पूरा रहा और क्योंकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी इलाके भी आते हैं जहां पर ये माना जाता है कि इससे पहले कोई नेता वोट मांगने नहीं गया, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, पूरे कैंपेन को अगर आप देखें, ऊपर चंबा के बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल, उन तमाम इलाकों में किस तरह से आपका कैंपेन? मैं गया जी, मैं अपनी कैंपेन में देख रहा था तो एक समाचार पत्र में ये समाचार छपा था कि ये जो कांगड़ा पार्लियामेंट्री का जो दूर दराज का क्षेत्र है, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, लोहारड़ी, मुल्तान, यहां कोई वोट मांगने नहीं जाता और वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है। तो मैं हालांकि बड़ा दूर था, मुझे
दो दिन का समय लग गया, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी, मैं वहां पहुंचा और मैं उन कार्यकर्ताओं का जोश, चेहरे का तेज देख के हैरान हो गया। अपने जो उनका एक अपनी परंपरागत नाटी है, परंपरागत लिबास है, उसके साथ मेरा स्वागत किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन मेरे जाने के बाद जो मैंने वहां उनके चरणों में अब हाजिरी लगाई, अपने प्रार्थना की अपने लिए, वहां 15% वोट बैंक की वृद्धि हुई है। सर, प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी, क्योंकि कांगड़ा की अगर बात कर ली जाए, अपने आप में समृद्ध है, हालांकि सड़कों का जाल जिस तरह से बिछ रहा है, जो विकास हो रहा है, निचले इलाके में बहुत हो रहा है, लेकिन अगर चंबा की खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि एक जनजातीय इलाका, बड़ा तबका वहां पर रहता है, वहां के लिए किस तरह से प्राथमिकता और विकास वहां पर किस तरह से कनेक्टिविटी के लिए काम करने की जरूरत है। बहुत काम हो गया है। आदरणीय गडकरी जी ने ये जो लेह के लिए जो रास्ता है, नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है, वो इट्स ऑन द पेपर्स। अब उसको यहाँ मैं सांसद के रूप में आया हूँ, उसको स्पीड अप करेंगे। जो हमारे चंबा के तीन हमारे विधायक हैं, उन विधायकों के साथ लेकर उनके उनसे सलाह मशवरा करके, जो भी यहाँ मंत्रालय में जो भी मंत्री बनते हैं उनसे बात करके, क्योंकि वो करीब करीब अंतिम स्तर पर है, तो उसको स्पीड अप करेंगे। और दूसरा मेरा मानना है, प्राथमिकता में मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी पर्यटन। हमारा चंबा लोकसभा क्षेत्र इतना सुंदर क्षेत्र है, इतना सुंदर क्षेत्र है, और मैं तो इस बार आई डिड नॉट लेट एनी स्टोन अनटर्न्ड इस लोकसभा का। इतना एक्सटेंसिवली मैंने, मुझे समय मिला था, इतना एक्सटेंसिवली मैंने वहां जाकर काम किया है, तो इतने सुंदर स्थान है जो मैंने भी नहीं देखे थे अभी तक। इतने सुंदर स्थान, इतने वर्जिन टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां अभी तक हम टूरिस्ट को पहुंचा नहीं पाया, मेरी प्राथमिकता में रहेगा। सर, कनेक्टिविटी का आपने जिक्र किया, होली उतराला वाया जो जालशू जोत रास्ता है, वो आजादी के बाद लोग आजादी तक उस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 60 के दशक के बाद वहां उस रास्ते की जो हालत है, 72 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, लोग आज तक डिप्राइव्ड है, वो रास्ता अभी तक नहीं बना, क्या कारण है? और आपके लिए अगर आप ये करते हैं तो एक ये आपके, देखिए विकास तब आता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती है। श्रद्धेय शांता कुमार जी ने इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, बाकी हमारे बाकी नेता लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, तो ये अंतिम स्तर पे है अब सारा काम। और मेरी प्राथमिकता रहेगी ये जिस रास्ते की आप बात कर रही हैं, होली उतराला मार्ग, इसको सिरे चढ़ाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, टूरिज्म का आपने जिक्र किया, चंबा में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था खजियार झील को लेकर भी, कि दलदल में तब्दील होती जा रही है, ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि टूरिज्म का जब जिक्र होता है तो सिर्फ पर्यटकों के लिहाज से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं उन्हें उनकी जो आगे आने वाली जो चीजें हैं उनके लिए, उनके नए आयाम उनके लिए खुलते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट का साधन वहां से जनरेट होता है। मैंने कहा ना कि मेरी प्राथमिकताओं में पर्यटन की संभावनाओं को तलाशना अपने लोकसभा में, ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और इसमें आपने जैसे बात की खजियार, इतना सुंदर स्थान है उसके लिए, और दूसरा आप कभी धर्मशाला जाते हैं, आप देखिए वर्ल्ड की सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है धौलाधार की, जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन स्विट्जरलैंड में भी नहीं है, वर्ल्ड में। और हम अभी तक टूरिस्ट को उन चोटियों तक नहीं पहुंचा पाए, तो मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि पर्यावरण भी कैसे बचे और टूरिस्ट को भी, पर्यटक को भी हम वहां तक पहुंचाएं। क्योंकि स्विट्जरलैंड में क्यों टूरिज्म है, इसलिए है, उन्होंने जितने भी उनके जो पहाड़ हैं वहां तक टूरिस्ट को पहुंचाया है। अब वो रोप वे के द्वारा हो सकता है, ट्रॉली से के द्वारा हो सकता है, और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और टूरिस्ट को वहां तक पहुंचाएंगे। स्विट्जरलैंड जैसे मैंने कहा कि ये जो खजियार है इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इतना सुंदर स्थान है वो, तो ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा, प्राथमिकताओं में रहेगा। सर, रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, विधानसभा में भी पूर्व सांसद ने भी कई बार सवाल उठाए हैं, किस तरह से उस पर आगे काम किया जाना चाहिए, क्योंकि संभावनाएं तो हैं, हालांकि टोपोग्राफी को देखते हुए बहुत आसान नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं। अब वो जो रेल है, कांगड़ा की रेल है, जो हमारा लोअर हिमाचल है, उसके लिए लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन है हमारे लिए, तो वो भी टॉय ट्रेन है। और उसमें पहले भी जो मेरे से पहले सांसद रहे हैं उन्होंने कोशिश की है, मैं उस कोशिश को आगे बढ़ाऊंगा। और बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल में ये कहना चाहता हूं कि इसको ब्रॉड गेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग स्वरोजगार जो है ना, रोजगार डायरेक्ट तो किसी को नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते,
कितनी नौकरियां हैं हिमाचल प्रदेश में, सभी कर्मचारियों को मान लो रिटायर कर दी जाए तब भी लाखों बच जाएंगे, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्या बचता है? स्वरोजगार। अब स्वरोजगार कैसे लाएंगे? कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए थोड़ी बहुत हिमाचल प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यदि आपको करनी है उसकी पहली शर्त है रेल, दैट्स टू ब्रॉड गेज। तो उसके लिए कोशिश करेंगे बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इतने बड़े अनुभवी सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में रेल को कहां से कहां तक पहुंचाया है, मेहनत की है उन्होंने, तो उनका मार्गदर्शन भी लूंगा, उनका नेतृत्व भी लूंगा, बाकी जो हमारे सांसद हैं उनके साथ भी सलाह मशवरा करके हम सब लोग मिलकर, क्योंकि सांसद अपने अपने क्षेत्र के अलग हो सकते हैं, हिमाचल तो हम सबका एक है और हिमाचल की समृद्धि सबकी समृद्धि है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में उनका मार्गदर्शन लेकर रेल के क्षेत्र में जिस तरह उन्होंने विस्तार किया है, मेरे क्षेत्र में विस्तार किस तरह से हो, ये काम बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, नई सरकार का गठन होने जा रहा है और हिमाचल प्रदेश को किस तरह की महत्वाकांक्षा है, हिमाचल प्रदेश की किस तरह की एक्सपेक्टेशन है कांग्रेस संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या संदेश यहां से निकल कर जाएगा? मेरी यही इच्छा है जी कि हिमाचल प्रदेश को प्रतिनिधित्व तो मिले, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता यहां हैं, और दूसरा हिमाचल की दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और उन्होंने समय समय पर यह सिद्ध भी करके दिखाया। तो इसलिए ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे उन्होंने पहले कोई कमी नहीं छोड़ी फिर कमी कोई नहीं छोड़ेंगे। और हिमाचल में अब मैं सांसद हूं कांगड़ा चंबा लोकसभा का, उस लोकसभा क्षेत्र पर उनका विशेष प्रेम रहेगा, विशेष आशीर्वाद रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद यशमी जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद राजीव भारद्वाज जी, जिन्होंने ये कहा है कि कनेक्टिविटी और टूरिज्म के आधार पर ये विकास को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे और यही इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।